वेलकम एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सबको इस टाइम दिखता है चाय पानी नाश्ता, पर मेरे को दिखा है प्रॉब्लम। देख के तो लग रहा है ये माइनर लीकेज है, बिकॉज पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत ही कम आ रहा है। बट इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इस टैंक से आप लोगों को। इस टैंक को सेटअप किए हुए एक लंबा टाइम हो चुका है, लश ग्रीनरी देख के पता चल ही रहा है। टैंक में कुछ प्लेटी फिश, एंजल, गुरामी, फ्लाइंग बार्ब और इंडियन लोचेस भी है। इसको मैंने प्योरली सॉइल बेस्ड सब्सट्रेट पे बनाया था। ये एक बैलेंस पे इकोसिस्टम स्टाइल विदाउट फिल्टर चलता है। इन दिन से नो वाटर चेंज, बट स्टिल मेरे को यहाँ पे पानी दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये टैंक हो चुका है लीक। इसका कोई चांसेस नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज इसका वाटर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको जितना मैंने फिल किया था उससे काफी नीचे आ चुका है इसका वाटर। क्या आप ये बात नोटिस कर रहे हो कि ये टैंक भी लश ग्रीनरी दे रहा है? मैं रिसेंटली प्लान कर ही रहा था कि इसका स्केप चेंज करना ही है। सो सिंस हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इट्स टाइम फॉर अ रीस्केप। ऑफकोर्स चीजों को फिक्स करने के बाद ऑलवेज गो फॉर अपर वाला लुक। ये देख सकते हो इस वाले एंगल से ये टैंक कुछ अलग ही लगता है, फुल फीलिंग आ जाती है। ये उंगली खाएगा, मार खाएगा। ऊपर से देखने पे ये काफी ज्यादा मस्त लगता है, वो बात अलग है कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ चुके हैं सारे सेगिटेरिया वेलिस्ने एरिया पे। इससे पहले कि मैं इसमें के प्लांट सुखाड़ो, फिशेस को पहले निकालना पड़ेगा। टैंक का पानी थोड़ा कम कर देने से फायदा यही होता है कि फिशेस कूदती भी नहीं है, उन्हें पकड़ना भी आसान हो जाता है, और हमारे पास कुछ पानी भी आ जाता है जिसमें हम इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। ऐसे तो काम नहीं होने वाला दोस्तों, जो भी फिशेस है वो जाके इन झाड़ियों में छुप जा रही हैं। क्यों मैंने इतनी सारी झाड़ियां उगाई हैं भाई? प्लांट्स को पुल करते टाइम ये बात जरूर ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आपके टैंक में हेवी रॉक्स हैं तो वहाँ पे फिशेस दब के मर भी सकती हैं। तो ये मॉक भर के खजाना मिला हमें, अब इनको निकालने का झमेला कम पड़ेगा, आराम से आ जाएंगी ये। क्यों घूर रहा रे मेरे को, क्यों घूर रहा? इन सपूलों को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हाथ इस्तेमाल करो या जाला इस्तेमाल करो, ये पकड़ में नहीं आते, इसीलिए लास्ट बच जाते हैं। एक एलिगेटर इधर छुपा है, यही दो फिशेस बचे हैं इसमें, मरने से डर नहीं लगता है तेको? इस टैंक में से जो माल मटेरियल निकला है उसे सेव करके हम साइड रख लेते हैं, बिकॉज बाद में ये काम आ सकता है रीस्केप करने का। प्लस में अभी हमें मौका मिलेगा देखने का क्या हुआ है एक्चुअल सिचुएशन इस टैंक का। चीजें हद से ज्यादा बुरी है, टैंक हो चुका क्रैक। आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ये है बारिश बारिश अनेक बारिश। टैंक बर्बाद होने की खुशी में मौसम का हाल बेहाल, माय मूड भी लाइक बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो यहाँ पे लुक देख सकते हो इसका ग्रीनरी, ऊपर से अपर लुक हमेशा हर टैंक का मस्त लगता है। साइड एंगल से देखो कितना मस्त लग रहा है, ये कबोम्बा ग्रीन वाला कितना मस्त बढ़ चुका है। सो फर्स्ट आई डिसाइडेड एक नया ग्लास लेके आते हैं 6 mm बॉटम पैनल के लिए। पुराना वाला ग्लास के सिलिकॉन को मैं काटना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड जैसे ही थोड़ी सी कटिंग खत्म होती है मेरे को दिखता है एक ऐसा चीज जो मैंने एक्सपेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया था। आई थिंक मेरे को ये डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, ये टैंक रिपेयर करके एक्चुअल फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे बहुत सारे चिप्स दिख रहे हैं चारों साइड में, और ये पोटेंशियल रखते हैं टैंक के ग्लास को क्रैक करने का। इस ग्लास का मैं कुछ और इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसके बदले मैं एक दूसरा टैंक लेके आऊँ, मे बी डिफरेंट डायमीटर्स के होंगे। आज का एक्वास्केपिंग ट्यूटोरियल वीडियो एक ऐसे टैंक पे होने वाला है जहाँ पे हमें अंडरग्राउंड सीन यानी कि अंडरग्राउंड केव एरिया प्लस में एक रिवर बैंक स्टाइल दोनों दिखने वाला है। आई नो ये थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा, एक टैंक में हम कैसे करेंगे, वही तो मेन पार्ट है इस वीडियो का। तो धीरे धीरे एंड होते होते वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सीमेंट का इस्तेमाल करके DIY प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसे प्रिपेयर करके आपको रखना पड़ेगा स्केपिंग से पहले। सबसे पहला काम स्ट्रक्चर बनाना आर्ट अटैक स्टाइल ओल्ड न्यूज़पेपर के इस्तेमाल के साथ। ये देखो पुराने न्यूज़पेपर्स में मेरे को क्या मिला, बहुत सारे पेपर का इस्तेमाल करके कुछ बॉल्स बनाने पड़ेंगे एक्सोस्केलेटन केव का बनाने के लिए। छोटे बड़े इस तरीके से बहुत सारे बॉल बनाने पड़ेंगे हमें, और ये वो शेप नहीं है जो इमेजिन कर रहे हो, केव का टनल है वो। उसके बाद इन सारे को टेप के हेल्प के साथ को एक साथ चिपकाना पड़ेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता सीमेंट जब मैं इस पे डालूं तो ये सब बिखर जाए इधर उधर। इससे पहले भी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था सीमेंट का काफी सालों पहले, तो मेरे को पता है रेशियो क्या ऐड करना है, 1 mug रेत और 2 mug सीमेंट यही रेशियो है, और इस तरीके से नहीं डालना था। इसके बाद इन्हें करना है मिक्स मिक्स मिक्स, और पानी उतना ही डालना है जितना जरूरत है आटे की तरह, जवानी में आटा गीला नहीं करना है। तो हिसाब से डालो, मिक्स करो, फिर हिसाब से डालो, और आपका पेस्ट कुछ ऐसा दिखने लगे। उसके बाद अब अप्लाई कर सकते हो स्ट्रक्चर पे। ध्यान
रखना इवनली चारों तरफ अच्छे तरीके से सीमेंट की लेयर देनी है। ऐसा नहीं कि कहीं पे होल छोड़ दो तो गोल हो जाएगा। अच्छे तरीके से सीमेंट का पेस्ट लगाने के बाद इसे छोड़ देना है 2 दिनों तक सूखने के लिए। बीच बीच में पानी डालना जरूरी है, हर 12 घंटे 6 घंटे के गैप पे, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसके सूखने के दौरान मैं गया था हावड़ा स्टेशन। फ्लावर हॉर्न और एरोआना को एक साथ इन्होंने रखा था अलोंग विद गुरामी गोल्ड फिश, आई डोंट नो हाउ। एनीवेज इसे सूखने के बाद सारा मेल मटेरियल इसके अंदर जो भरा था सबको निकालेंगे एक एक करके अच्छे तरीके से। टेप चिपक चुका था अंदर डुक ढक के, फिर भी क्लियर करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उसके बाद एजेस को मैं तोड़ रहा हूँ बिकॉज एक्सेसिव पार्ट्स किसी को ही चाहिए। एंड फिर नाउ टाइम आ चुका है होल करने का, ऊपर में जहाँ से फिशेस एंटर कर सकती हैं। इसे अच्छे से धोधा के मैंने डाल दिया टॉप में कुछ टाइम के लिए ताकि इसे पानी के अंदर रहने का आदत हो जाए। जस्ट किडिंग, थोड़ा सा और मजबूत हो जाए और कुछ अननेसेसरी टॉक्सिन भी निकले। और सिंस इस टैंक में बहुत सारे सब्सट्रेट लगने वाले हैं तो हमें फिलर्स बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे लावर ऑक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप लाल ईंटों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये ट्राई करो टालियां। बस ध्यान में रखना कच्चे ईंटे, चूने वाले ईंटे या फिर कलर लगे हुए ईंटों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब टाइम आ चुका है इन सबको एक और बार वॉश देने का। रिमेम्बर 1 हफ्ते बीत चुके हैं इसको पानी में रखे हुए, तो क्लीन करने के बाद जो भी टालिये के पीसेस थे उन्हें मैंने पानी में डाल के अच्छे तरीके से धोया ताकि ये लाल लाल जो पाउडर फॉर्म हो चुका है वो निकल जाए। एंड फिर इसके बाद गर्म पानी, ठंडा पानी डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है मेरी तरफ से। नहला दो इनको अच्छे तरीके से एंड उसके बाद पानी में डाल के छोड़ दो। जब इस्तेमाल करना होगा पानी से निकालो, डायरेक्ट टैंक में यूज करो, कोई चांप नहीं पड़ेगा। ये रहा वो टैंक जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। थोड़ा सा वाटर मार्क्स और गंदगी है जिसे क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद मैं डायमीटर्स बताता हूँ इस टैंक के। तो टैंक हो चुका है क्लीन, लाइट मैंने लगा दिया है और डायमीटर्स है कुछ इसके ऐसे 15 इंच बाई 15 इंच बाई 15 इंच। ये क्यूब है। अभी तो फिलहाल इस टैंक पे बैकग्राउंड लगाना है। मैं सोच रहा हूँ मिस्ट वाला बैकग्राउंड लगाऊं, व्हाइट इस टैंक पे सही रहेगा। तो बैकग्राउंड गया है लग, एक रफ वर्क मैंने कर दिया बट हाँ काम चल जाएगा। और लाइट को मैंने ऐसे पकड़ के रखा, अब लगाता हूँ इसको एंड बाकी काम स्टार्ट करते हैं हम। केफ डालने से पहले मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा रेत डालना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट रखता हूँ इसके ऊपर मैं केफ को तो उसके शार्प कॉर्नर से हो सकता है कि इसमें क्रैक आ सकते हैं बिकॉज सारा लोड उस पे पड़ने वाला है। तो ये जो अभी मैंने डाला ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सैंड है जो कि कहीं भी आराम से मिल जाता है, बिल्डिंग बनता है तो इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको भिगा के रखा था पानी के अंदर एकदम मस्त वॉश करने के बाद, गर्म पानी ठंडे पानी से नहलाने के बाद। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाल वाले ईंटे के आ चुके हैं अंश, बहुत ही भारी है ब्रो। मैंने इसको टैंक के अंदर प्लेस तो कर दिया बट ये अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज को ध्यान में रखने का कि जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया था उसका मैंने मुंह एकदम कॉर्नर पे डिजाइन देके नहीं किया था, जस्ट प्लेन मैंने सीधा रखा था ताकि ये ऐसे कनेक्ट हो और यहाँ पे ज्यादा गैप्स तुमको देखने को ना मिले। इन सारे कॉर्नर्स को मेरे को फिल कर देना ताकि कोई भी रॉक इसके अंदर ना घुसे। एंड हाँ, जैसा मेरे को इफेक्ट चाहिए था एकदम लाइट का रे यहाँ से आके अंदर में आ रहा है एकदम मस्त तरीके से, वो काफी बढ़िया लग रहा। तो बेसिकली इससे हम लोग फिल करने वाले हैं इस पूरे एरिया को जब तक ये एकदम यहाँ तक हाइट का नहीं आ जाता टॉप तक। तो पीछे की तरफ से हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया एंड यहाँ पे थोड़े से गैप को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कुछ रॉक्स नीचे में प्लेस कर दूं। अगर यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लीक हुआ तो डायरेक्ट आपके पानी में जाएगा, इसीलिए इस पार्ट को सील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल तो थोड़ा बहुत सिक्योर कर दिया मैंने, अब बड़े वाले रॉक्स को मैं साइड पे प्लेस कर देता हूँ एंड उसके बाद सब्सट्रेट हलवा मिक्स करके इसको डालेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास कुछ मिक्स ग्रेवल, सैंड, स्टोन्स, बहुत कुछ मिक्स है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे प्लेस कर दूँ, ये जैम करने में हेल्प करेगा। कैप्टिविटी का काम हो चुका है, देख सकते हो कोने कोने पे मैंने प्लेस कर दिया। अब बड़े वाले रॉक्स को मैं मिक्स करूंगा। गंगा की मट्टी के अलावा इसमें जाने वाला है प्योर खाद, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जिसको मैंने पानी के अंदर भिगा के काफी टाइम से रखा था एंड ये न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। प्लस मैं इसके साथ में डालने वाला हूँ सॉइल तो ये थोड़ा बैलेंस बनाएगा इसको। इन सबको डालने के बाद बस करना है इन्हें मिक्स 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 अच्छे तरीके से ताकि ये एकदम बराबर हो जाए। इसके बड़े बड़े रॉक्स वाले पार्टिकल्स के आप बनाएंगे, वाटर फ्लो होगा अच्छे से एंड ये वाले न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इसको बनाने का कोई प्रिसाइज रेशियो नहीं है, जस्ट यूज फीलिंग्स। तो पीछे से स्टार्ट करता हूँ मैं, इसे फिल करना है इस कॉर्नर से। इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स भी करना पड़ेगा मेरे को बिकॉज बड़ा वाला छोटा वाला मिक्स नहीं होगा सब्सट्रेट तो यहाँ पे एकदम क्लंप बन जाएगा।
नेक्स्ट डे आ चुका है, लेट्स कीप हायर होप, बिकॉज जिस तरीके से मैंने सबस्ट्रेट सेट किया है चांसेस वहां पे है कि लीक हो जाए न्यूट्रिएंट्स। अगर ये वाला सबस्ट्रेट इन ब्रिक्स को क्रॉस करते हुए इस टनल में आ गया तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा एंड पानी को मटीला कर देगा। लेकिन इस चीज को बिना ट्राई किए हमें कैसे ही पता चलेगा। डिजाइन को मैंने थोड़ा सा अच्छा क्रिएटिव वे में करने का सोचा है। ऊपर में उस तरफ हायर ग्राउंड रहेगा, प्लस में इधर पे जहाँ पे हमारा केव है और उधर उधर डाउन। सबस्ट्रेट सेटलमेंट का काम यहाँ पे हो चुका है और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये इसका एक्चुअल लेवल होने वाला है तो यू आर रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, बिकॉज इसमें जब मैं वाटर फिल करने वाला हूँ ये थोड़ा सा दबने वाला है बिकॉज इसमें जो भी एयर्स पॉकेट होंगे वो हटेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसे हम पास सर्टिफिकेट देंगे या फेल करेंगे। आओ देखते हैं पानी भर के। मैं पहले से ही प्रिपेयर था, ऐसी चीज कुछ होने वाली है, पानी पूरा मटीला हो चुका है। मैं सारे पानी को निकालने वाला हूँ एंड थोड़ा सा तिगड़म लगाऊंगा। तो जहां जहां से चांसेस है सैंड को सिंक होने का, मैं वहां से सैंड हटा के ये प्लेस करने वाला हूँ। आय हाय दिखाओ यार इसको, ये काले काले छोटे बड़े पत्थर। बड़े पत्थरों के बाद मैं ये ट्राई करूँ डालने का, ये थोड़े से बड़े टाइप के ग्रेवल है जो कि स्पेसिंग को जाम करने में हेल्प करेंगे। तो चीजों को फिक्स करने की कोशिश करी है मैंने एंड हाँ इट्स क्वाइट वर्किंग वेल, बट सीन यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है कि मेरे को काले पत्थरों का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब ये फाइनली कुछ ढंग का शेप ले रहा है। अब मेरे को वहां पर क्लस्टर लगाने हैं रॉक्स के जहाँ पे कुछ चीजें चढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला था रिवर स्टाइल। एक्चुअली ये लेक स्टाइल होने वाला है, बेसिकली इसमें फ्लो कुछ होगा नहीं, इसीलिए वहां पे पाइल्स लगाते हैं ऑफ रॉक्स। मेरे पास रिवर रॉक्स कुछ दूर से देखो सही लग रहा, मस्त एकदम। डेकोरेशन वाला पार्ट हो चुका है खत्म, जैसा मैं इसको डेकोरेट करना चाहता था। इट्स क्वाइट डिसेंट, मतलब उतना तगड़ा भी नहीं लग रहा, बट हाँ इससे हमारा काम हो जाएगा। काला वाला ग्रेवल का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एक सर्कल भी बनाया, प्लस में ब्लैक स्टोन्स के हेल्प के साथ इसको मैंने कवर किया एक थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए। यहाँ पे जो पाइल्स मैंने सेट किया था उस पे भी मैंने डाल दिया है वो गैप्स भरने के लिए, बिकॉज जो भी फिशेस या फिर क्रिएचर्स इसमें हम रखने वाले हैं वो जाकर ढुकना चाहे। वाटर फिलिंग टाइम एवरीबॉडी। तो ये टैंक जाने वाला अभी साइकिल प्रोसेस में, पानी थोड़ा सा मटीला है वो भी क्लियर हो जाएगा। वहां पे मैंने अभी उस इलाके को मैंने डुबा के रखा है बिकॉज साइकिलिंग प्रोसेस में क्यों ही छोड़ के रखू मैं उसको, एडजस्टमेंट बाद में किया जाएगा। अभी फिलहाल मैं प्लान कर रहा हूँ जाके लेके आने का इनमें जो रहने वाले हैं उनको, फिशेस और क्रैब्स। जी हाँ पास्ट में मैंने कुछ क्रैब्स रखे थे इमेच्योर तरीकों से, लेकिन अभी हमारे पास एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज को एक्सपीरियंस करने का। बरसते हुए मौसम की बारिश में फोटो खींचो। ये देखो नीचे में पानी कम भी हो चुका है, दैट मींस मिलना काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। नीचे चलते हम आगे बढ़ते और देखते केकड़ा कुकड़ा मिलता कि नहीं मिलता। देखो नीचे में हो चुका पानी, स्मॉल साइज केकड़ों यहाँ पर दिख रहा, ये सही रहेगा हमारे लिए। देखो खाने का भी कोशिश कर रहा, कुछ तो खा रहा। एक हेलमेट स्नेल यहाँ पे है, मे बी इन्हें भी हम ले जा सकते हैं, एक को ले जाते हैं यहाँ पे बड़ा सा है। धर ले ले वाने। ए हे एक पकड़ में आया, अब इसको लेके रख के फायदा नहीं होगा, एक इसका एक सी उठा गायब है। तो और बार बारिश बढ़ते हुए ये लोग पार्टी करने गया था कोना में, अभी देखो आई है बारिश, कैसा लग रहा तुम लोगों। तो फाइनली कुछ डंडा ट्रिक काम आ रहा, डंडा ट्रिक से ही आ चुका है बाहर और इसको हम ऐसे आराम से पिनान से पकड़ लेंगे। आ जाओ बेबी क्रैबी। मिल चुका है हमें पहला क्रैब छोटका सा। ये एक ट्रिक है केकड़ों को बाहर बुलाने का, आप ट्राई कर सकते हो, मे बी आपके लिए वर्क करे। सब एक एक सीढ़ी पकड़ के बैठ गई से आराम से। सो मेरे को यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के केकड़े मिले, एक प्रेग्नेंट केकड़ी भी मिली जिसके पेट में बहुत सारे बच्चे थे जिसको मेरे को वापस रिलीज करना पड़ा, इसे हम नहीं रख सकते हैं। उसके बाद मेरे को एंड में मिला ये, आई डोंट नो आई एम नॉट श्योर ये पुराना वाला एक हाथ वाला सर्वाइवर है या फिर ये कोई नया ही केकड़ा है जिसने अपने एक हाथ खो दिए है। देखने में काफी ओल्ड लग रहा है बट स्टिल मैंने डिसाइड कर लिया दिस इज द जिसे मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ, ये मेरे साथ रहेगा, लेट्स गो। ऑलराइट इस टैंक को साइकिल करते हुए एक हफ्ते हो चुके हैं, ऊपर वाले सरफेस पे थोड़ी गंदगी भी जम गई है तो हमें इसमें ढक्कन भी लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो वाटर ये सारा निकालते हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। केव में भी मन चाहा इफेक्ट आ रहा, देखो लाइट आ रहा नीचे में, नॉट बैड नॉट बैड।
अभी आप देख सकते हो पानी हो चुका है कम, दैट मीन्स हम प्लांटिंग के लिए प्लांट्स लेके आ सकते हैं। सो इस वाले स्केप के लिए आई थिंक सो ड्वार्फ सेगेटेरिया काफी सही रहेगा और मेरे पास बंच है इसका। फ्यूचर में मे बी मैं कुछ और प्लांट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ, जस्ट लाइक अ कारपेट ये काम करेगा। तो मेजरली मेरे को दो जगह प्लांटिंग करना है, एक ये केफ के आउटर साइड पे यानी कि ऐसे सर्कल में और दूसरे जगह इन कोनों पे। अब इस प्लांट को जहां जैसे जिस तरीके से बढ़ना होगा ये बढ़ेगा लाइटिंग के आधार पे। ये तो मानना पड़ेगा ये डीप होल के तरफ में अच्छी झाड़ियां लग रही हैं। डोंट इमेजिन एनीथिंग एल्स प्लीज। तो फिलहाल चीजें थोड़ी सी क्लाउडी चल रही है, जैसे ये क्लियर होता है हम आते हैं इंट्रोड्यूस करने सारे फिशेस को। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया इसका हम क्या नाम रखेंगे, हैंडीमैन। नाउ यू कैन गो टू योर न्यू हाउस, चलो जाओ एक्सप्लोर करो। ये गया आराम से अंदर में, हाँ ये टहलने में एक्सपर्ट होते हैं, होपफुली इसे ये चढ़ने वाला प्लेस पसंद आएगा। एंड नाउ टैंक क्लियर है तो हम फिश को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये गई कुछ प्लेडी फिश टैंक के अंदर में, इसके बाद कुछ बॉटम ड्वेलर्स जस्ट लाइक ये सपोला, इंडियन लोज एंड चाइनीज एलिगेटर। काफी इंटरेस्टिंग लगेगा इनको टनल के अंदर ऊपर नीचे करते हुए देखने में।